सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी लोग स्क्रीन पर अलग अलग फ़ोटो दिखाना चाहते हो तो वो कैसे दिखाए, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी सेटिंग, मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस होगा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो गाइज, इसमें क्या करना है, आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, यहाँ पे जाने के बाद अपन को क्या करना है, लॉक स्क्रीन पोस्टर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हो। तो गाइज, लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर इस पर ये आपके ऑप्शन बंद होगा, तो इसे यहाँ से जाके चालू कर देना है। यहाँ से जाके चालू करने के बाद अपन बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद अपन इसको एक बार स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, बाद ऑन कर देते हैं। तो गाइज, ये मेरे अलग अलग ये सॉरी गाइज, यहाँ पर जैसे कि ये मैंने बंद, ये मैंने चालू कर दिया, स्क्रीन ऑन कर दी और गाइज ये आप जा रहा है। तो गाइज, वापस ऑन करने के बाद ऐसा वॉलपेपर, बंद करके वापस ऑन करने पर ऐसा वॉलपेपर। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।